हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्वर आलय म्यूजिक। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सुंदर एक म्यूजिकल फ्रेज है इसको बजाना सिखा रहा हूँ। ये आपको किसी गाने के बीच में धुन भी बजा सकते हैं और आप ऐसे म्यूजिक के तौर पर भी एंटरटेनमेंट के लिए भी बजा सकते हैं। ये बहुत सरल है, ये सब शुद्ध स्वर लग रहा है इसमें, यानी कि ठाट मिलावल है। आपको ऐसे फिर म्यूजिकल फ्रेज का सरगमों का अभ्यास करना चाहिए ताकि आप इन फ्यूचर गानों के बीच में म्यूजिक बजा सकें। बहुत सुंदर है। लाल कैरवा में सा नी दा पा दा नी सा पा मा गा रे सा नी दा पा दा नी सा पा मा गा रे सा गा मा पा दा सा नी दा पा मा गा रे सा गा मा पा दा नी दा पा मा गा रे सा नी दा पा दा नी सा पा मा गा रे सा नी दा पा दा नी सा पा मा गा रे सा। लोग बोलते हैं कि मुझे म्यूजिक बजाना नहीं आ रहा गीतों में। अरे भाई, म्यूजिक बजाना इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने जो सरगम है इनका रियाज नहीं करते आप, तो क्या बजाएंगे आप। पहले अपने स्तर पर शुरुआत में ये रियाज करना चाहिए। ताल कैरवा में सा नी दा पा दा नी सा वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर पा मा गा रे सा वन टू थ्री फोर 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 वन टू थ्री वन टू थ्री फोर 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 सा नी दा पा दा नी सा पा मा गा रे सा गा मा पा गा मा पा दा सा नी दा पा मा गा रे सा। इस टाइप से आप हजारों गानों के बीच गीतों के बीच में अपने स्तर पर म्यूजिक बजा सकते हैं। बहुत आसान होता है, लेकिन आप ये म्यूजिक फ्रेज सीख लें, बहुत सुंदर है। ताल कैरवा पे सा नी दा पा दा नी सा पा मा गा रे सा गा मा पा दा नी दा पा मा गा रे सा। आप शुद्ध सरगम में बजाएं, और यदि इसमें कोई कोमल स्वर लगे तो शुद्ध की जगह कोमल स्वर लगा दें तो वो भी बजेगी, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको बहुत जल्द गीतों के बीच का म्यूजिक बजाना आ जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप प्रैक्टिस करें बराबर। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और इसी टाइप से मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और यदि आपको गाना निकालना नहीं आता है और बीच का म्यूजिक बजाना नहीं आता है, गाने का सा कैसे ढूँढें, स्केल कैसे ढूँढें, ये सब जानकारी के लिए मेरे चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और ये सब मिलेंगे आपको। हारमोनियम बजाना सीखें, उस प्लेलिस्ट में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, आप आसानी से बजाना सीख सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं आपके वीडियो फ्यूचर में देखता रहूं इसी तरह से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जो बटन है, नोटिफिकेशन बेल, उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि उसको एक बार आप दबा देंगे तो आपको हमेशा हमेशा सबसे पहले मैं जैसे वीडियो अपलोड करता हूँ तुरंत ही आपके मोबाइल पर पहुँचेगा और वो आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, बहुत कुछ वीडियोस, हर प्रकार का वीडियोस मैंने अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं
मेरे मेंबर बनना, मेरे चैनल के मेंबर, आप किसी भी टाइम पर मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। सिर्फ आपको चैनल पर दिया हुआ ज्वाइन बटन जो कि सब्सक्राइब बटन के बगल में रहता है, उस बटन को आपने दबाना है। सब्सक्राइब बटन के बगल वाला बटन जो ज्वाइन बटन है, ये यूट्यूब ने मुझे इनेबल किया है मेरे चैनल पर, और इसलिए किया ताकि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हारमोनियम सीख सकें। लेकिन उसमें चार्ज लगता है दोस्तों, चार्ज से नहीं डरना है, आप चार्ज अदा करें, लेकिन उसके बदले आप सीख भी तो रहे हैं। तो आप किसी भी टाइम पर मेरे चैनल की मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और यदि मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कभी कभार आपका फर्ज बनता है, मेरी तारीफ आप करते हैं थैंक यू दे करके, खाली थैंक यू, तो उसमें एक सुपर थैंक्स बटन है, वीडियो जो आप देख रहे हैं इसके नीचे एक सुपर थैंक्स एस थैंक्स लिखा होगा, थैंक्स बटन, उसके ज़रिए कभी कभार आपको 40 रुपये लगता है, तो 40 रुपये कोई अधिक राशि नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आपको फ़ायदा भी तो 4 लाख का हो रहा है, 4000 का हो रहा है, तो आप 40 रुपया खर्च करने में आपका क्या लग रहा है। तो आप थैंक्स बटन कभी कभार इस्तेमाल करें, और मुझे मेरे चैनल को भी सहायता मिलेगी और मेरा हौसला बढ़ेगा। इसके अलावा यदि आप ऑनलाइन हारमोनियम बजाना सीखना चाहते हैं तो वो भी सुविधा उपलब्ध है, मैं और ऑनलाइन भी सिखाता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप जाएं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।